टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहता सिंह योगी आज चापकर लेकर आया है वार्ड नंबर 5 बागनेर, जहां पर शिवसेना के प्रत्याशी बबलू भाई फाइट में हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से चुनाव के बारे में। बबलू जी, आप रहने वाले कहां के हैं? मैं रहने वाला तो गोगा गाँव का हूँ जी। अच्छा जी, तो आप जो चुनाव में आए हैं, क्या इससे पहले भी शिवसेना यहाँ पे चुनाव में थी? इससे पहले भी शिवसेना ने चुनाव लड़ा है, MLA का, विधायक का लड़ा है, पार्षद में नहीं थी शिवसेना, MCD के चुनाव नहीं लड़े हैं। तो आप चुनाव में आए हैं किन किन मुद्दों को लेकर आए हैं? मैं मुद्दा तो स्पष्ट है जी, यहाँ पे शमशान घाट नहीं है। एक तो लाखों आदमियों की जनसंख्या है और शमशान घाट से पहले डिस्पेंसरी नहीं है, जिससे कि आदमी बीमार होता है तो इतनी जनसंख्या है तो बहुत दूर ले जाना पड़ता है, आदमी की तबीयत खराब हो जाती है, रोड खराब है, गली है जो वे बेकार है, एकदम नाली है जो रुकी हुई है, पानी भरा रहता, तो आदमी डिस्पेंसरी कहाँ पहुँच रहा है, हॉस्पिटल तक जा ही नहीं पाता बीमार आदमी, ठीक है। और यहाँ पे एक सरकारी स्कूल नहीं है, पार्क तो है ही नहीं इतने लाख की उसमें, और ये जो पहले नेता थे उन्होंने कोई विकास वगैरह करा नहीं है अच्छे से यहाँ पे। तो आप इसको कैसे आप दूर करने की कोशिश करेंगे? मैं कोशिश करूँगा, करके दिखाऊँगा, कोशिश नहीं करके दिखाऊँगा मैं, और जो ये गलियाँ हैं इन्हें बनवाऊँगा, पार्क बनवाऊँगा, डिस्पेंसरी है जो लोगों के लिए उसकी सुविधा होगी, पार्क बनवाऊँगा, सरकारी स्कूल बच्चों के लिए जो कि अपना समय सिर्फ आने जाने में ही ख़त्म कर देते हैं, गर्मी आ गई है, गर्मी इतनी पड़ती है, बच्चे हैं तो परेशानी होती है यहाँ से दूर जाने में बच्चों को। तो आप चुनाव में किसको किससे ज़्यादा, कौन सी पार्टी से ज़्यादा फाइटर समझते हैं? जो फाइटिंग कहाँ रहेगी, आप पार्टी का विधायक है, BJP के पार्षद थे यहाँ पे, कांग्रेस 60 साल राज कर गई, तो फाइटिंग कहाँ रहेगी? कोई फाइटिंग नहीं है इनसे तो मेरी, जनता ने मेरे को उठाया है, जनता मेरे साथ है, जनता ही करेगी जो भी होगा वो। तो जैसा कि अभी प्रत्याशी बबलू अमित गोगा ने बताया कि जो सौतन नगर की जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी शमशान घाट ना होना, डिस्पेंसरी ना होना, फ्लाईओवर ना होना, और सफाई नालियां बिल्कुल नहीं निकलना, नालियां बनी हुई नहीं है, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है काफ़ी मात्रा में और इससे बीमारियां फैल रही हैं, डिस्पेंसरी नहीं है जिसकी वजह से जो है क्या नाम जो बीमार हो जाता है उसको बड़ी मुश्किल से जो है रेलवे लाइन क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो बताई गई है, सफाई व्यवस्था, डिस्पेंसरी और शमशान घाट, ये सबसे बड़ी समस्या है। रतन नगर नरेला बागनेर वार्ड नंबर 5 में, जहाँ पर चुनाव का माहौल बहुत सरगर्मी से चल रहा है और नेता अपने वोटरों को लुभाने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सफाई व्यवस्था जिस तरह से है और गंदगी आप देख रहे हैं, जगह जगह पानी भरा पड़ा है, नालियाँ टूटी पड़ी हैं और किसी किस्म का कोई कार्य नज़र नहीं आ रहा जो पहले निगम पार्षदों ने कराया हो, और उसी को लेकर आज हम बात करेंगे स्थानीय भाई साहब। आप एक मिनट बताएंगे? हाँ जी। नाम क्या आपका? मेरा वीरेंद्र सिंह कमांडो। वीरेंद्र जी, आप बताएंगे स्वतंत्र नगर की समस्याएं जो हैं, हाँ जी, उनको लेकर आप कभी किसी पार्षद से, विधायक से, किसी से मिले थे पहले? हाँ जी, ये गली नली बहुत हालत ख़राब है, कहीं निकलने का रास्ता नहीं है, पूरा पानी रुका हुआ है, और ये 10 साल से BJP की सरकार भी है और पार्षद से मिले हैं, किसी ने कोई ईंट एक भी ईंट नहीं लगाई, जिससे कि स्वतंत्र नगर में बीमारी फैलने का बहुत खतरा है, और काफ़ी निकलने के लिए बच्चों के लिए रास्ता नहीं है, बच्चे स्कूल जाते हैं कि चढ़ में कपड़े हो जाते हैं उनके, कोई भी गली ऐसी नहीं है जिससे निकल जाए, और शमशान घाट के लिए फाटक बंद होते हैं, एक घंटा लेकर खड़े होना पड़ता है, इधर कोई शमशान घाट नहीं है, कोई लड़की के लिए कोई कॉलेज नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई कुछ भी तरक्की नहीं कराई, 10 साल से BJP की सरकार रही, कोई कुछ नहीं किया आज तक, कोई भी काम। हाँ जी, और मकान देखो जाओ 7-7 फुट 10-10 फुट। तो आपके जो प्रत्याशी हैं बबलू, उनसे आप क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं? हमसे उम्मीद लगा रहे कि कम से कम ये गली नली इनकी समस्या दूर करेंगे वे, देख कोई भी सरकार आने की कुछ नहीं किया, हमें बहुत बहुत उम्मीद है, भरोसा है, इसीलिए हम उनसे समाज के लिए अच्छे काम करेंगे, गली नली सड़क और जो भी है। हाँ जी, जैसा बताया कि यहाँ पर जो हालात हैं
वो आप देख सकते हैं, बद शत्रु दिखाई भी देता है कि जो हालत है वो किसी से छुपे नहीं है। क्या हो गया भैया ये? क्या नाम आपका? कर रहे हैं मेहनत सर। क्या नाम आपका? राकेश। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नरला के जी, स्वतंत्र नगर है ये। तो यहाँ पे आप क्या लेके आए थे? हम ईट मंगाई हमने। अच्छा, मकान है आपका यहाँ पे? ये मकान है। अच्छा, ईट मंगवाई थी। तो ये क्या ट्रैक्टर फंस गया आपका? ट्रैक्टर फंस गया। आप कैसे लेके जाएंगे इसको? अब कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये स्वतंत्र नगर की हालत है। अगर कोई अपना मकान बनाना चाहे तो ईंटों से भरा हुआ ट्रैक्टर बिल्कुल फंस चुका है गली के बीचों बीच, ना आने की जगह ना जाने की जगह। अब आप समझ सकते हैं स्वतंत्र नगर का हाल क्या है। देखिए देखिए, हमारे यहाँ पे स्वतंत्र नगर में भैंसे नीचे जीना उतर के जाती हैं। ये दिखाइए जीना, दिखाइए भैंसों का जीना। देखो नेता तो इधर लेके आ जाएंगे ये मकान पहले। हमारे नेता तो समझदार हुए नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ के जो भैंस वगैरह है वो समझदार हो गई है, वो जीना उतरना सीख गए नीचे। देखिए देखिए, हमारे यहाँ पे स्वतंत्र नगर में भैंसे नीचे जीना उतर के जाती हैं। ये दिखाइए जीना, दिखाइए भैंसों का जीना। देखो ये गंदगी देखिए, यहाँ पे ये बीमारी नहीं होगी तो क्या होगा? देखो पहले के पार्षदों ने क्या कराया यहाँ पे, प्लॉट के कूड़ा घर बना दिया। ये देखिए यहाँ पे, देखिए जितने की प्लॉट की कीमत नहीं है उतनी मिट्टी डलवाएंगे तो जब जाके बराबर आएगा। प्लॉट की कोई कीमत ही नहीं रही, मिट्टी लाने का रास्ता यहाँ तक नहीं बचा, कैसे रहेंगे लोग? ये देखिए, बोलो बबलू। ये देखिए ये घर छोड़ के चले गए यहाँ से, क्योंकि ये छत है, ये छत है, ये खिड़की नहीं है। आगे आगे देखो, ये गेट है लोहे का, ये गेट है लोहे का, मकान का दरवाजा गेट है। ये देखिए, ये खिड़की लग रही है लेकिन ये घर का मेन दरवाजा गेट है। इसे निकलते कैसे कब्रिस्तान जो गली बोली जा रही, क्यों बोली जा रही है? जैसी जो बोली जा रही है, जब परेशान है। तो आपको जिंदा ही दफनाने की कोशिश की सरकार ने? यही करी है। यही की है? आपका नाम क्या है जी? राधा देवी। राधा जी, क्या समस्या है यहाँ गली की? हमारी गलियों की ये समस्या है जी, यहाँ पे अपना काम पड़ते हैं तो दुनिया आ जाती है, और यदि हमारा काम पड़ता है तो हमारा कोई सहायता नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? हमारे लोग की सहायता के लिए हम लोग इंसान नहीं भाई, ये लोग आप लोग अगर चाहें तो इसका समाधान हो सके है। अगर हम वोट दे देते आप लोग को, आप ही लोग के दे दें, आप ही लोग के देते रहेंगे, हमारे इस कुएं में से निकाल के हमें सबको उपकार करो, हमारे सबके ये शमशान घाट, हमारे सबके गलियां। बबलू जी, आप इस गली में आए हैं, आप देख रहे हैं लोगों की समस्याएं जो बताया जा रहा था, जिस तरह से कब्रिस्तान है ये, जैसे बता रहे थे लोग कि यहाँ एक गली है जिसका नाम कब्रिस्तान है, तो यहाँ पे आप भी आए हैं, आप पहले भी आते रहे हैं, तो आपके यहाँ समस्या क्या नजर आ रही है और किस तरह से आप इनका समाधान करेंगे? ये कब्रिस्तान वैसे तो है नहीं, घरों के कब्रिस्तान बना दिए, जो भी ये पार्टियाँ हैं, जो भी पार्षद है, MLA है आपका, यहाँ पे BJP का पार्षद है, तो ऐसे जिंदगी तबाह करने से क्या मिलेगा लोगों की? क्या ऐसा जीवन या क्या नेता ऐसे होने चाहिए? इससे हमारा समाज खराब नहीं होता? ये गरीब आदमी, ये गरीब बच्चियाँ हैं, ये देखिए ये गरीब बच्चे, ये शादी होगी, इनको पढ़ाई लिखाई, मकान उठाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे लोग? यहाँ पे इन्होंने ही मेरे को उठाया है, ये ताई है, इन्होंने बोला है, और यहाँ पे गली में है बच्चे और लड़के हैं, उन्होंने मेरे को बोला है, इन्होंने उठाया मेरे को, तो इलेक्शन में ये है वहाँ पे मेरे समर्थन में। आप बबलू जी के साथ हो? आप हाँ बिल्कुल साथ है आप लोग के।